हेलो दोस्तों, आपका जयकर टचिंग में आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत का इतिहास। हम आपको भारत के इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। आप देखिए, हम आपको बताते हैं भारत का इतिहास। मानव सभ्यता की शुरुआत तब की जाती है सिंधु घाटी रहस्यमय संस्कृति से शुरू होती है और भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक की जाती है। भारत के इतिहास में भारत के आसपास स्थित अनेक संस्कृतियों से लोगों का निरंतर समेकन होता रहा है। उपलब्ध साक्ष्य सुझाते हैं कि लोहे, तांबे और अन्य धातुओं के उपयोग काफ़ी शुरुआती समय में भी भारत उपमहाद्वीपों में प्रचलित थे, जो दुनिया के इस हिस्से द्वारा की प्रगति का संकेत है। चौथी सहस्त्र शताब्दी बीसी के अंत तक भारत एक अत्यंत विकसित सभ्यता के क्षेत्र के रूप में उभर चुका था। हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत का दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक उस महाद्वीपों के में कृषि बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्र में चरवाहा वस्तुओं के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए हैं, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियार को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सभी ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और राजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज के संग्रहित करने के तरीके से पता चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे महाद्वीप नगरों का उदय हुआ। भारत का इतिहास सिंधु घाटी के साथ आरंभ हुआ और अधिक बारीकी से कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के सभी इस समय इसकी शुरुआत मानी जाती है। यह दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में लगभग 2500 बीसी के फली फूली, जिसे आज पाकिस्तान और पश्चिम भारत कहा जाता है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार प्राचीन शहरी सबसे बड़ी सभ्यता का घर थी। इस सभ्यता के बारे में 1920 तक कुछ भी ज्ञात नहीं था, जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी की खुदाई का कार्य आरंभ किया, जिसमें दो पुराने शहरों अर्थात मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भगवान वेश निकल कर आए। भवनों के टूटे हिस्से और अन्य वस्तु जैसे कि घरेलू सामान, युद्ध के हथियार, सोने और चांदी के आभूषण, मुहर, खिलौने, बर्तन आदि दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में लगभग 5000 साल पहले एक अत्यंत उच्च सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः एक शहरी सभ्यता और यहाँ रहने वाले लोग एक सुयोजनबद्ध और सुनियोजित कस्बों में रहा करते थे, जो व्यापार के केंद्र थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेष दर्शाते हैं कि भव्य व्यापारिक शहर वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए थे और इसकी देखभाल अच्छी तरह की जाती थी। यह चौड़ी सड़कें और एक सुविकसित विकास प्रणाली थी। घर पकाई गई ईंटों से बने होते थे और इनमें से दो या दो से अधिक मंजिलें होती थी। उच्च विकसित हड़प्पा सभ्यता में अनाज, गेहूं और जौ उगाने की कला ज्ञात थी, जिसमें वो अपना मोटा भोजन तैयार करते थे। उन्होंने सब्जियां और फल तथा मांस, सुअर और अंडे का सेवन भी किया। साक्ष्य सुझाव देते हैं कि ये ऊनी तथा सूती कपड़े पहनते थे। वर्ष 1500 से BC तक हड़प्पन सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता के नष्ट हो जाने के बाद इस हड़प्पा संस्कृति, इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1924 में आधुनिक पाकिस्तान की पंजाब प्रांत हड़प्पा नामक जगह में इस सभ्यता के बारे में पता चला गया। इस परिवक्त में सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंधु में था। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंधु और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण नर्मदा के मुहाने तथा और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरम समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व मेरा तक था। यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 12
99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, परेशान मिस्र और मेसोपोटामिया से भी।